वीडियो में दिख रही महिला को आप जरूर कहीं ना कहीं देखे होंगे। ये वही महिला हैं राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल, जो कि दलित समाज से ताल्लुक़ रखती हैं। इन्होंने अभी अभी जो है एक पार्टी को ज्वाइन की हैं, और इस पार्टी का नाम क्या है बताएंगे आगे वीडियो में चलकर। लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा अपडेट दिया है, आगे चलकर देखते हैं क्या अपडेट है। राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLSP ज्वाइन की हैं। शनिवार को हनुमान बेनीवाल ने प्रिया सिंह को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। आपको बता दें कि प्रिया सिंह बीकानेर की रहने वाली है। इनकी 8 साल की उम्र में शादी हो गई थी। 2 बच्चों की मां होने के बावजूद भी प्रिया सिंह ने पुरुषों के वर्चस्व वाला बॉडी बिल्डर क्षेत्र बतौर करियर चुना था। पिछले साल थाईलैंड में आयोजित इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में प्रिया सिंह स्वर्ण पदक जीता थे। खेल की दुनिया में अब प्रिया सिंह की राजनीति में एंट्री चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल यह तय नहीं हो पाया है कि प्रिया सिंह RLP की टिकट पर राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भाग्य आजमाएंगी या नहीं। अगर वह चुनाव लड़ती हैं तो कौन से टिकट मिलेगा, कहाँ से टिकट मिलेगा। उल्लेखनीय है कि थाईलैंड के बाद प्रिया सिंह को मुंबई में रियल हीरोज ऑफ इंडिया के किताब के नाम से नवाजा गया था। दलित वर्ग से ताल्लुक रखने वाली प्रिया सिंह लगातार 3 बार मिस राजस्थान बन चुकी हैं। शादी के बाद प्रिया सिंह ने परिवार की आर्थिक हालात को सुधारने के लिए जिम में काम करना शुरू किया था, फिर बॉडी बिल्डर के रूप में पहचान बना ली। कई मंचों पर राजस्थान का नाम रोशन किया। प्रिया सिंह का पूरा नाम प्रिया सिंह मेघवाल है, जो कि एक दलित समाज से आती हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह होगी कि राजस्थान में आज़ाद समाज पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, लेकिन क्या कारण है कि ये जो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है ज्वाइन की है। सोचने वाला विषय यह है कि बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, फिर भी इसके बावजूद भी ये जो प्रिया सिंह मेघवाल हैं, जो कि बॉडी बिल्डर भी हैं, इन्होंने इस तरह का जो है इसी पार्टी को क्यों ज्वाइन किया, ये साफ नहीं हो पाया है कि इसका कारण क्या है। फिलहाल कोई अपडेट होता है तो आपको बताया जाएगा। तब तक वीडियो में बने रहें।